हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएफसी पीआरपी थेरेपी फॉर फेस, इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ इट इज डन। बेसिकली जीएफसी पीआरपी थेरेपी एक नेचुरल नॉन इन्वेजिव विद मिनिमल डाउन टाइम ट्रीटमेंट है जिससे आप अपनी फेशियल रिजुविनेशन करते हैं। और आज की टाइम्स में फेशियल रिजुविनेशन जीएफसी पीआरपी की द्वारा बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि इस ट्रीटमेंट को कैसे किया जाता है, इस ट्रीटमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, इस ट्रीटमेंट को क्या क्या डाउन टाइम है, क्या पोस्ट केयर इन्वॉल्व होती है इस प्रोसीजर के द्वारा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है, मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बेसिक स्टार्ट करें तो जीएफसी पीआरपी थेरेपी का मतलब होता है, जीएफसी का मतलब होता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट एंड पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बेसिकली इस टेक्निक में जब भी हमें इस प्रोसीजर को किया जाता है, सबसे पहले जीएफसी को प्रिपेयर करने के लिए हम 8 ml ब्लड विड्रॉ किया जाता है, उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा प्रोसेस किया जाता है जिससे के कारण उसके प्लाज्मा के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स का एनरिचमेंट या एनहांसमेंट हो जाता है। इसके बाद फेस पर एक नंबिंग क्रीम लगाई जाती है और उसके बाद एक माइक्रोनीडलिंग पेन के द्वारा जीएफसी पीआरपी को आपके फेस से स्प्रे किया जाता है और माइक्रोनीडलिंग के द्वारा आपके स्किन के जो टाइनी जो चैनल्स हैं वो कुछ माइक्रोसेकेंड्स के लिए ओपन होते हैं जिसके कारण से आपके जीएफसी पीआरपी का पेनिट्रेशन आपके फेस पे बढ़ जाता है। अब मैं बताने वाला हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ जीएफसी पीआरपी क्या है। जीएफसी पीआरपी को हम एक नेचुरली नॉन सर्जिकल मिनिमम डाउन टाइम ट्रीटमेंट की तरह कर सकते हैं जो कि आपके फेस पे कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और उसकी यूथफुलनेस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी पोर्स की टाइटनिंग में भी हेल्प करता है, ये आपके ओवरऑल स्किन की टोन और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, खासकर उन पेशेंट में जिनको ऐसा लगता है कि उनकी स्किन में बहुत डलनेस आ गई है, यूथफुलनेस खत्म हो गई है। ये एक बहुत अच्छी नॉन इन्वेजिव मोडालिटी है जो कि हम इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ इस जीएफसी पीआरपी को अंडर आई रिजुविनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जीएफसी पीआरपी को हम एज अ टोनिंग और आपका टाइटनिंग ऑफ द स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो टाइटनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं देता है, फिर भी आप लेकिन इसे अगर आपके रिपीटेड सेशन लेते हैं तो माइल्ड टू मॉडरेट जो भी पेशेंट के अंदर स्किन लैक्सिटी रहती है उसमें ये काफी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये स्किन के ग्लो को मेंटेन करने के लिए, स्किन के ग्लो को इम्प्रूव करने के लिए जीएफसी पीआरपी को यूज किया जाता है। जीएफसी पीआरपी क्विक मेथड है, इसमें कोई भी एलर्जी या कोई भी रिएक्शन होने का चांस नहीं होता क्योंकि जो भी प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं वो आपकी बॉडी से ही डिराइव होते हैं। ये मिनिमम डाउन टाइम प्रोसीजर है और इसको आप मंथली आप इसको मंथली बेसिस के ऊपर रिपीट कर सकते हैं। जीएफसी पीआरपी उन पेशेंट्स में भी बहुत हेल्प करता है जिनको फेस पे बहुत रेडनेस या रोजेशिया रहती है एक्ने के कारण, तो उस पेशेंट के अंदर भी जीएफसी पीआरपी का रोल है। नॉर्मली इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता कि इन पेशेंट में कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप के पेशेंट के अंदर आप इसको सेफली परफॉर्म कर सकते हैं। जीएफसी पीआरपी थेरेपी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो इंडिविजुअल वेरिएशन पे डिपेंड करते हैं, मतलब आपकी स्किन टाइप कैसा है, आपका प्री ट्रीटमेंट जो आपकी जो स्किन का जो लेवल है वो कैसा है, मतलब आप कितनी केयर करने वाले हैं उसके हिसाब से रिजल्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करते हैं। इसके लिए आइडियल तरीका ये होता है कि जब भी हम जीएफसी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं ये एक डिटेल कंसल्टेशन के साथ स्टार्ट किया जाता है जिसमें हम पेशेंट की स्किन को असेस करते हैं, उसके जो भी ट्रीटमेंट गोल्स हैं उसको हम बताते हैं, प्लस साथ में ये भी हम उसके कंसर्न्स जो होते हैं उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे पास क्या ऑप्शन है वो भी हम सजेस्ट करते हैं। उसके बाद ही हम पेशेंट को जीएफसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए एडवाइस करते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट कराया जाए। बट कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि जिसे ऐसा लगता है कि वो एक नॉन सर्जिकल नेचुरल वे में अपनी स्किन की एनहांसमेंट करना चाहता है और अपने स्किन को ग्लो चाहता है, स्किन की टोन को इम्प्रूवमेंट कराना चाहता है, वो सेफली जीएफसी थेरेपी करा सकते हैं अपने फेस के लिए। इसके बाद पोस्ट ऑफ केयर के अंदर भी नॉर्मली इसमें बहुत ज़्यादा केयर इन्वॉल्व नहीं होती, बस हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको कुछ स्किन के लिए कुछ जेंटल प्रोडक्ट्स एडवाइस करने जो कि हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, प्लस आपको अपनी स्किन को जो है आपको सन के एक्सपोजर से बचाना है, आपको सन एक्सपोजर को ध्यान रखना है ताकि आपका स्किन में कोई डैमेज ना हो। ये दो मेन जो पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है जो पेशेंट को हम करने के लिए बोलते हैं, अदरवाइज इट इज़ टोटली अ सेफ प्रोसीजर। और अगर आप नेचुरली नॉन इन्वेजिव वे से अपनी स्किन को एनहांस करना चाह रहे हैं, ग्लो लेके आना चाह रहे हैं, उसकी टेक्सचर को इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट अपने स्किन में लाना चाह रहे हैं, तो आप सेफली जीएफसी पीआरपी थेरेपी अपने फेस के लिए जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि जीएफसी पीआरपी थेरेपी फेस के लिए क्या होती है, उसको कैसे किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें पोस्ट केयर कैसे दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से कॉस्मेटिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको जीएफसी पीआरपी थेरेपी फॉर फेस के बारे में या हेयर के बारे में कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे देखिए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेरी का आंसर कर देंगे। थैंक यू।